नमस्कार दोस्त, मैं हूं राजा सिंह। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रेलवे एग्ज़ाम। आपको हम आज संविधान के कुछ बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। सबसे बड़ा संविधान पूछेगा और सबसे छोटा पूछेगा एग्ज़ाम में, और अलिखित पूछेगा। तीन क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में आपके। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान पूछेगा, तो बड़ा संविधान पूछे तो अपना भारत बताना है। छोटा पूछे तो छोटा में आपका अमेरिका होगा। और अलिखित संविधान पूछेगा तो अलिखित में आपका यूके हो जाएगा, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं या ब्रिटेन कहिए। तो संविधान के बारे में फिर सुनिए, संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम एवं कानून की आवश्यकता हो पड़ती है, उसे संविधान कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत है, सबसे छोटा अमेरिका है, और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। आगे सुनिए भारत के बारे में। भारत जिस समय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 था, अनुसूची 8 था। और यही वर्तमान समय में पूछेगा आपसे, वर्तमान में तो इसकी संख्या बढ़कर 448 है, एक्चुअली 395, लेकिन उसमें कुछ जोड़ दिया गया है इसलिए अब बढ़कर संख्या 448 गो हो गया है। भाग पूछेगा तो 25 भाग हो गया है, और आपसे अनुसूची पूछेगा तो 12 अनुसूची हो चुका है, और 8 अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो ये था आपका कुछ बेसिक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारत का संविधान बनने की जो प्रक्रिया है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का रहा है। ये बराबर एग्ज़ाम में पूछता है कि एग्ज़ाम में कि कितने दिनों में बना है भारत का संविधान, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, और अलिखित संविधान पूछे तो यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड बोलिए, बात देखी है। शुरुआती दौर में जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 थे, लेकिन वर्तमान में 448 हो गया है। भाग 22 थे, वर्तमान में 25 हो चुके हैं। अनुसूची 8 था, अब 12 हो चुका है। तो क्वेश्चन में आपसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में भागों की संख्या कितनी है, तो 25 है, ठीक। अनुसूची अभी वर्तमान में कितने हैं? 12 है। अनुच्छेद कितने हैं? 448 है। पहले कितने थे? तो पहले अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 थे, और अनुसूची 8 था। तो हम समझ लिए। फिर से एक बार समझते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है, उसे ही संविधान कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। आगे चलिए, हम आपको अब छोटा टॉपिक बताने जा रहे हैं, संसद, जो आपको बहुत ही अच्छा समझ आने वाला है। संसद, अंग्रेजी में इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। संसद का निर्माण 3 चीज़ों से हुआ है, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। 3 को मिलने से एक सभा का निर्माण हुआ है, उसे ही संसद कहते हैं, ठीक। संसद, तो भारत का संसद का नाम संसद ही है। संसद का जो गठन हुआ है अनुच्छेद 79 के तहत। भारत में संसद का होना चाहिए, ये बात की पुष्टि हमारे अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। तो हमारा संसद के निर्माण 3 चीज़ों से हुआ है। तो आपका एक होता है लोकसभा,
राज्यसभा और एक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से एक सभा का निर्माण होता है, उसे ही हम संसद कहते हैं। ठीक, तो लोकसभा के बारे में सुनिए। लोकसभा का जो गठन होता है अनुच्छेद 81 के तहत। ठीक, लोकसभा जो होती है हमारे भारतीय संविधान के जो निम्न सदन कहलाता है, निम्न सदन या अस्थाई कहलाता है। ठीक, लोकसभा को गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है, इसे निम्न सदन कहते हैं, अस्थाई सदस्य भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम भंग भी कर सकते हैं, इसे हम भंग कर सकते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वह मुख्य सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री है, जिसे हम संवैधानिक प्रधान भी कहते हैं। ठीक, तो इसके टोटल सीट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि टोटल सीट कितने होते हैं, तो कुल सीट इनके 545 होते हैं, यह 2026 तक रहने का बताया गया है, 545 हुआ है। लेकिन दो गो एंग्लो इंडिया समुदाय से चुनाता था, लेकिन वर्तमान में यह चीज़ हट चुका है, अब टोटल 545 हैं और 12 राज्यसभा चुनाते थे वह चुना रहे हैं। ठीक, तो आपसे पूछा है कि लोकसभा, तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 के तहत गठन किया जाता है, इसे निम्न सदन या अस्थायी सदन कहते हैं, इसे भंग कर सकते हैं। ठीक, इसकी वर्तमान में 545 सीट है। पहले आपसे क्वेश्चन पूछता कि पहले कितना चुनाता था, दो सदस्य चुनाता था, दो सदस्य का मनोनयन होता था, मनोनयन। चलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा इसे हम अस्थायी सदन कहते हैं, इसे हम भंग नहीं कर सकते हैं, इसे भंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और आपसे पूछा लोकसभा कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है आपका 5 वर्ष का होता है। इसे 5 वर्ष पहले भंग भी किया जा सकता है, लेकिन ये भंग कभी नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक दो वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। ये राज्यसभा कभी भंग नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में टोटल यानी कुल सीट पूछेगा तो 245 हुए हैं, जिसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनयन, 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, जिसमें कला के ज्ञान होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर चुनाता है, उसके बाद में हेमा मालिनी, सब राज्यसभा लोकसभा से भी चुनाते थे, जिसमें कला एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। ठीक, तो राज्यसभा का हो गया। अब चलते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, हाँ, राज्यसभा में ये भी जान लीजिए कि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है, जिस तरह से इसका, इसके लिए आपको एक ट्रिक है, आप सरल से याद कर सकते हैं, सरल, देखिए सरल, तो स से आपका संसद हो गया, तो 79 के तहत संसद, राज्यसभा आपसे पूछेगा तो राज्यसभा 80, लोकसभा पूछेगा तो 81, इस तरह से आप इसको याद करिएगा, सरल, बहुत इसी है, सरल, यानी कि 79 संसद गठन, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि संसद का निर्माण 3 चीज़ों से हुआ है, तो किससे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80, 81 लोकसभा। अब हम आते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होता है भारत का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसमें से यहाँ पूछेगा कि इसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो लोकसभा का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हमारे देश के क्या हैं, वास्तविक प्रधान हैं, तो राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति के बारे में बतलाना चाहते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वह संविधान के अनुच्छेद
52 में वर्णन है। पूछेगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे वह किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 52 में। लेकिन पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा, निर्वाचन प्रक्रिया, तो निर्वाचन प्रक्रिया आर्टिकल 53-54 में वर्णन है विस्तृत रूप से। पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव का वर्ण जो होगा वह एकल संक्रमी मत संपाति के तहत होगा, जो अनुच्छेद 55 के तहत होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो वर्णन है जो एकल संक्रमणीय मत संपाति के द्वारा होगा, अनुच्छेद 55 के द्वारा। राष्ट्रपति के वेतन के बारे में आपसे पूछे क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति का वेतन अनुच्छेद 56 के तहत होगा। और वही राष्ट्रपति के जो पद का गठन होगा वो 52। और योग्यता पूछेगा आपसे, तो योग्यता आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 58। इस तरह से राष्ट्रपति देश का, राष्ट्रपति देश का जो होता है संवैधानिक प्रधान होता है। पूछा गया देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रपति जो है अभी रामनाथ कोविंद है, याद रखेगा। फिर से एक बार हम ब्रीफ में कर लेते हैं, शॉर्ट में, संसद, संसद गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है, ठीक। उसके बाद में राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, लोकसभा 81 के तहत किया गया है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं या अस्थायी सदन कह सकते हैं, इसे भंग किया जा सकता है। इसके कुल टोटल सदस्य 545 है। पहले दो सदस्य का मनोनयन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे हटा दिया गया इस प्रक्रिया को। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का जो सदस्य होते हैं सेना निवृत्त हो जाते हैं। अभी वर्तमान में कुल 245 इसमें सदस्य है, जिसमें 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है कला एवं संस्कृति से। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है, तो वहीं राष्ट्रपति का गठन अनुच्छेद 52 के तहत किया जाता है। इसके निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर 53-54 के तहत किया गया है। लेकिन पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह एकल संक्रमणीय मत संपाति के तहत होगा, अनुच्छेद 55। और राष्ट्रपति के वेतन के जहां बात आए तो अनुच्छेद 56, योग्यता पूछे 58। और देश का संवैधानिक प्रधान हमारे राष्ट्रपति होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, संपन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।